जय हिंद। यदि आप कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ भास्कर से, जहां आपको मिलेगा ट्रिकी मैथ और मिनटों का काम होगा सेकंडों में। जिन स्टूडेंटों को लगता है कि मैथ के पेपर में और अधिक समय होना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट समय के अंतर्गत पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं भास्कर ट्रिक। ट्रिक नंबर 101, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा अंतिम पद l है तथा सभी पदों का योगफल s है तो उसका सार्वांतर होगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसका सार्वांतर क्या होगा। ये वर्ष 2016 की परीक्षा में TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, अगर ये पद समांतर श्रेणी में दिए गए हैं तो समांतर श्रेणी के लिए कोई तीन पद मान लिए 1 2 3 1 2 3। ये समांतर श्रेणी में पद है जहां प्रथम पद a का मान कितना है 1, अंतिम पद l का मान कितना है 3 और यदि सार्वांतर निकाला जाए तो d का मान कितना होगा 1 तथा पदों का योगफल s बराबर 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। इसे क्वेश्चन में चेक करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में चेक करेंगे, आइए चेक करते हैं, l स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 अपॉन 2s कितना होगा 12 माइनस l फॉर 3 a का मान कितना होगा 1 ऊपर कितने 8 शेष बचे 12 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 यानी कितना आ गया 1 और d का मान वास्तव में कितना था 1। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, जो सार्वांतर है वो एक नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है, दैट इज योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।